आशीष, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स पर आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, बिकॉज एटलीस्ट अब सारी ही जो सर्विसेज हैं दे विल कम इन द 18% ब्रैकेट, बट जिस तरह की एपेटाइट इंडियन मार्केट्स में है, इनफैक्ट आप जुड़े उससे पहले मैं और विवेक यही बात कर भी रहे थे कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी वाइब्रेंसी एंड आई वुड से बैलेंस्ड अप्रोच दोनों में काफ़ी एवोल्यूशन देखने को मिला है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज? बेसिकली इफ यू लुक एट द मार्केट कि आज का जो भाव है सेंसेक्स का कहें तो वो जितने भी अटकलें हैं जितने भी विचार हैं हमारे वो सब अच्छे बुरे जितने भी हमें लग रहा है परिणाम आएंगे वो सब आज के भाव में ऑलरेडी परिवर्तित हो चुके हैं. तो मुझे लग रहा है कि जो फुल्ली डिस्काउंटेड जिसको कहते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो कहती है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और उसके हिसाब से जितने तारण हम निकाल सकते हैं वो निकाल के आज का भाव लगाया हुआ है. तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो फ्यूचर जीएसटी का जो एक तरह से सक्सेस है ऑलरेडी डिटरमाइंड है क्योंकि मार्केट ने किसी तरह से कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है पिछले एक दो हफ्ते में. और आज भी जो मार्केट हल्का सा एक तरह से डाउन है वो इसलिए कि अमेरिका डाउन है, पूरा एशिया डाउन है, तो थोड़ा उसके हिसाब से सहानुभूति के हिसाब से भारत भी थोड़ा डाउन है. लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑन इंडिया बेसिस एज यू राइटली सेड कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्लो एक अविरत तरह से चालू है और सब ने एक मैच्योरिटी दिखाई है और आगे जाके भी जैसे मैंने कहा कि सबको पता है कि कोई जो अनाज उगने वाला है वो खेतों में से उगने ही वाला है, जो हम खाना खाने वाले वो खाने ही वाले, जो हम जो भी कार्य करते हैं दिनचर्या में वो तो करने ही वाले. तो ऐसे कोई जीएसटी के आने से कोई ऐसे कम भी नहीं होने जाने वाले और जो बढ़ेगा तो इसलिए कि ज़्यादा बेसिकली नई जो चीज़ें होती है वो आसानी से हो पाएगी तो थोड़ा और बढ़ सकता है. मिस्टर मारीवाला, वन क्विक क्वेश्चन फॉर यू, डू यू सी प्राइसेस गोइंग अप? आई नो इट्स अ वेरी वाइड क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा बास्केट है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप अपना ही पोर्टफोलियो देखें क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि नेट इन्फ्लेशनरी हो सकते हैं अगले दो या तीन महीने चार महीने बिफोर थिंग सेटल डाउन? क्या आपको लगता है कि प्राइसेस विल स्टेबलाइज क्योंकि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ आएगा, जब तक सप्लाई जो चेन है वो ठीक हो जाएगी अगले तीन महीने में, जैसे आपने कहा कि जो इनिशियल डिसरप्शंस के बाद प्राइस मूवमेंट्स को आप कैसे देखते हैं आपके एफएमसीजी सेक्टर में? So I think that many items the effective tax rate has gone down. In some cases it has gone up. But net, if I had to predict what will happen to inflation, I think it will not go up. And especially the items which are consumed by the common man, which is covered in the index for inflation measuring, will not go up in my opinion. So I'm not worried that it'll be inflationary. In fact, there may be inflation may be contained and may go down a little bit because of the fact that in many items the rate is lesser than the current rate. Absolutely. Ashish, now you know since the CDSL listing is also done, going forward aapki strategy kya hogi, thoda iski bhi baat kar lete hain, because jis tarah ki vibrancy hai, primary market has a huge lineup is pure saal ke liye. So what is your outlook? नहीं, हमारा तो यही मानना है कि आवर मेन बिजनेस इज कंप्लायंस, तो अच्छा से कंप्लायंस करना है, बेहतर मार्केट जो सिस्टम है लोगों को देनी है जिसमें मैनिपुलेशन कम हो, इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा तक मिले लोगों को, स्पेकुलेशन कम हो, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं. और जैसे आपने भी कहा एक IPO की एक लगातार लाइन लगी हुई है, आज भी CDSL का लिस्टिंग अच्छा हुआ, तो मुझे लग रहा है ये आगे के अच्छे दिनों के लिए आसार मिल रहे हैं कि और नए IPOs आएंगे. SMEs भी बहुत सारे, आई थिंक 40 से भी ज़्यादा SMEs की कंपनियों ने BSE में ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस भरे हुए हैं जो अगले दो तीन महीने में लिस्ट होंगे. तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल IPO की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं. इनफैक्ट हमारे साथ आनंद राठी जी भी हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं. मिस्टर राठी, मार्केट में वाइब्रेंसी जिस तरह की है और आशीष जी तो यही कह रहे हैं कि जो भी डर था या अनसर्टनिटी थी दैट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन, सो सेंसेक्स 50,000 कब तक हो सकता है? देखिए, मार्केट का मेरे मानना है कि लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छी दिशा में नज़र आ रहा है और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मार्केट ये कुछ ही वर्षों में जाके सेंसेक्स 50,000 छू सकता है और ये संभावनाएं
अब और बढ़ गई हैं क्योंकि सभी फ्रंट में अभी इकोनॉमी में अच्छा नज़र आ रहा है. फ्रॉम पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट दृष्टि से जैसा देखा है कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जा रहा है, टोटल पेमेंट अपना फेवरेबल होता जा रहा है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, रुपी स्ट्रांग होता जा रहा है. इन सबको देखते हुए इकोनॉमी आगे आने वाले सालों में अच्छा होती हुई दिखाई हो रही है और उसका इफेक्ट मार्केट में आएगा. मेरा मानना है कि अगले 3 सालों को अगर समझा जाए तो 3 साल में जहाँ आज मार्केट है वहाँ से 40-60% के ऊपर हासिल हो सकता है. बिल्कुल मिस्टर मारीवाला, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा. इनफैक्ट अब एक तो आपके जो असेंट फाउंडेशन में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे छोटे कारोबारी भी हैं, दूसरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसमें भी कई कारोबारी हैं, उनका उनसे क्या फीडबैक मिला है आपको? बिकॉज एक जो कंसर्न हमने सुनी थी इन आर इंटरेक्शन वॉज बेसिकली अबाउट फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न्स एंड सेकेंड इज दोज फर्म्स विच आर ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट, उनको क्योंकि सारे ही स्टेट्स में करना है रिटर्न फाइल, इस पर थोड़ा सा उन्हें हेजिटेशन था. आपका व्यू क्या है? See, as far as you know, we deal with distributors whom we are in direct touch with. We deal with them on a regular basis. So we, as an organization, we are trying to help them meet this challenge. But beyond that, to approach retailers, it is very difficult for us to influence them because there are millions of retailers. And as I mentioned earlier, there is going to be a learning curve in this. But it is not rocket science. It will, I am sure, the trade and the smaller players will learn this very quickly, and I don't see this as a big issue over a period of time. If at all, it is just next quarter where most of the compliance is, there may be some learning curve. So I don't see that as a big negative to the implementation of GST. राइट. चलिए मिस्टर मारीवाला बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आशीष, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा. ओवरऑल आपको क्या लगता है, जो क्योंकि आपने काफ़ी देशों में इस मॉडल को स्टडी भी किया होगा, टेक्नोलॉजी के लिए आप इतने पैशनेट हैं कि आप दुनिया का फास्टेस्ट एक्सचेंज चलाते हैं, सो यू नो हाउ रेडी इज आवर सिस्टम, क्योंकि आपने भी इसमें अपना इनपुट दिया होगा आई एम टोल्ड. क्या कितना रेडी लग रहा है सिस्टम आपको, बिकॉज आफ्टर यू वी आर गोइंग टू स्पीक टू जीएसटी एंड नेटवर्क चेयरमैन आल्सो. आई थिंक जीएसटी एंड नेटवर्क ने बहुत अच्छी प्रगति की है. एक्चुअली वो लोग पहले करीब 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है. उन्होंने टेस्टिंग भी किया हुआ है सब तरह का, इन टर्म्स ऑफ लोड, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग थिंग्स. तो उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन किया हुआ है. कई जो लोग हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, खास करके फाइनेंस की इंडस्ट्री, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है. बैंक देख लीजिए, इंश्योरेंस कंपनियां देख लीजिए, स्टॉक ब्रोकर्स देख लीजिए, सबके सब बेसिकली कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है. कंप्यूटर के जरिए ही काम करते हैं और हर तरह के टैक्सेस वो ऐसे ही भरते हैं. माने हर हमारा जो STT CTT वगैरह जो होता है वो तो प्रैक्टिकली एवरी डे काउंट होता है. तो ये जो इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है उनके लिए तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी. और बहुत एक्चुअली सरल होगा क्योंकि पहले से, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स भर रहे थे. एंट्री टैक्स था, एग्जिट टैक्स था, तरह तरह के एक्साइज थी और ऑक्ट्रॉय था, तरह तरह के टैक्सेस जो थे एक ही चीज़ में सिमट जाते हैं, तो नेचुरली लोगों को भी सहूलियत होती है. तो मुझे लग रहा है कि कई इंडस्ट्रीज़ में आगे जाके एक पहला जो तबका में एक दौर रहेगा पहले 1 महीने में जहाँ पे थोड़ा सा असमंजस हो सकता है, लेकिन थोड़े थोड़े जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को एक भरोसा बैठेगा कि हाँ ये ठीक चल रहा है. और मुझे लग रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ में मैन्युअली काम होता है, जहाँ पर ज़्यादा ऑटोमेशन नहीं हुआ है, वहाँ पर एक शुरुआत के दौर में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन वहाँ पर बिल्स भी कम बनते हैं, इसकी वजह से उनके पास समय भी रहेगा टू टेक द इनपुट क्रेडिट्स एंड एवरीथिंग एल्स. तो मुझे लग रहा है कि जो भारत का ओवरऑल GST का एक ढांचा बना हुआ है वो विश्व के देशों से कई गुना अधिक बेहतर है, क्योंकि वो हर चीज़ को, हर पहलू को अंदर लेके बना हुआ है और पूरे IT के अधीन है. जो बाकी सब जगहों पे GST बना तब उतना कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से ये जो डिटेल्स जो GSTN ने इस बार सोची है और इम्प्लीमेंट करी है, मुझे लग रहा है ये एक यूनिक फ्रेमवर्क रहेगा ये.
हिमांशु थैंक यू, आप बहुत पेशेंटली सुनते जा रहे हैं इन सबको जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं. और ये बताइए कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पर भी आपने बात की थी शुरू में, और मैं समझता हूँ कि कई लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जब हम सिंपल एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पहले टैक्स रेट इतना था और अब इतना हो गया, हम ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसमें कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा. तो शायद जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे कुछ कमोडिटीज़ के, शायद उतना ना बढ़े. 100% ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन सिस्टम, हम अपने हिसाब से ये सोच रहे हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स क्या था और अब क्या टैक्स लग रहा है. हर जगह यही चर्चा है कि पहले 12% था, अब 18% हो गया. लेकिन अगर आप ये देखिए, पहले बहुत तरह के ऐसे इनपुट क्रेडिट थे जो कि हम क्लेम नहीं कर पाते थे, वो हम क्लेम कर पाएंगे, पहली चीज़. दूसरा, अगर आपने पीछे से जितनी भी आप इनपुट खड़ा करके रखा है, अगर आपने रिटर्न में ऑलरेडी दिखा रखा है, फिर कोई इशू नहीं है. अगर आपके पास इनवॉइसिंग है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास इनवॉइसिंग नहीं है तब भी 14% के आपके ऑलरेडी गवर्नमेंट इनपुट दे रही है. तो अगर ओवरऑल जब कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत ऐसे टैक्सेस थे जिसका आप इनपुट कहीं नहीं ले पाते थे. उसका एंड ऑफ द डे होता क्या था कि जो कॉस्ट बर्डन था वो कंज्यूमर पे चला जाता था, तो उससे प्राइसिंग इन्फ्लेट हो जाती थी. लेकिन आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली जितने टैक्सेस हैं वो क्लब हो जाएंगे और सिंगल टैक्स हो जाएगा. तो अगर ओवरऑल आप कॉस्टिंग देखेंगे तो कंप्लायंसेस भी कम हो रही हैं. कंप्लायंस कॉस्ट होता है. अगर कंप्लायंस कोई बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, जैसे CDSL की अगर बात करें, तो इनका कंप्लायंस बेस बहुत बड़ा है, तो कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा. हो सकता था आप पहले 10, 12, 15 लॉ को कैटर करते थे, अब वो रिसोर्स अब एक पे काम करेगा, तो कॉस्ट रिडक्शन होना है. ठीक है, आने वाले 6 महीने 8 महीने आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, क्योंकि आपको तो लर्निंग करनी है. लर्निंग पर भी जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका आपको इनपुट भी मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि अब जो टैक्स आप पे करेंगे वो आपके पॉकेट से निकल जाएगा और आपको कस्टमर तक लेके जाना है. तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसको इम्पैक्ट आने में, प्रॉफिट को क्लाइंट तक पास करने या कंज्यूमर तक पास करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये डेफिनेट है कि आने वाले कुछ समय में उसको कम होगा. ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्राइस जो वो प्रोडक्ट है जिस पे इंक्रीज करें, गवर्नमेंट उसको बहुत माइनूटली देख रही है कि अगर वो कहीं मास कंजम्पशन की चीज़ें हैं और उस पर किसी भी तरह का बैड इफेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट बहुत तेजी से इम्पैक्ट कर रही है और बहुत तेजी से रिएक्ट करके उसके कॉस्ट रिडक्शन को कोशिश कर रही है. एक लेकिन CDSL से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जो आपने उस पॉइंट को नहीं पूछा, उनसे अगर आप दोबारा कनेक्ट हो तो जरूर पूछें. जो पहले टैक्स था वो 15% के सर्विस टैक्स हम देते थे. अब CDSL क्या है कि पूरा सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है. तो अब ये 18% की तरफ जा रहा है. तो क्या 3% का जो इम्पैक्ट है उसको जो इंडस्ट्री है, स्पेशली फाइनेंशियल और ब्रोकिंग और जो भी ट्रेडिंग कंपनी, वो उसको कैसे देखती हैं? क्या उसको पॉजिटिव लेके जा रहे हैं? उनका कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग हर जगह ये टैक्सेस आते हैं, सर्विस टैक्स, अब वो GST 18% से हो जाएगा. तो जो 3% का गैप है, आप ओवरऑल देखें तो हमारे GDP में लगभग 57% कंट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री से आता है. तो वो 3% भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है. अगर हम एक्साइज 2% कम कर रहे हैं तो एक्साइज कलेक्शन 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास है. ये हमारा बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे 0.5 का जो वेरिएशन हो रहा है, वो कैसे वो देखते हैं? बिल्कुल.